अरे मोटी रे मोटी आंख कटली, यो तो त्योरी चटाके का। अरे न्यू बोले हेरे टापू के माए कला हो जाएगा, आड़े ते चली जा। और पहली बात के माध्यम से क्या कहते हैं, ओ परिया कैसा रूप हुसन के पाटरा चाड़ा पाटरा चाड़ा, ओ गल में नाग जने ओ हाथ रुद्राक्ष की माला रुद्राक्ष की माला, और घर बार छूट राइस ढाला घर बार छूट राइस ढाला जन
साउंड ऑपरेटर विकी जी चलकर आए हैं, इनके नाम से जोरदार तालियां। अभी दिखे विकी जी मुझे, सॉरी इसके लिए। आएगा तीसरी बात में, क्या कहता है न्यू, कहने लगे कि देख तूने बाबा जैसा रूप तो बना लिया है, लेकिन तुझे ये खबर नहीं कि अगर कोई सुंदर हो तो उसका तो, यू कहते हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि उसका तो जाड़ बोझा भी बैरी हो जाया करे है। नुवला चली जा, माने जा। और आएगा तीसरी बात में, क्या कहते हैं ओ एक बात तन कहे ऋषि अमृत रस घूट ले, अमृत रस घूट ले, ओ ना टापू में ठीक चाल मारी गेला उठ ले, ओ हर गेला उठ ले, कोई चोरी उचक्का लूट ले, कोई चोरी उचक्का लूट ले, यो भारी डाके का हेरा टापू के वाह, ओ बाबा जी साडे का होर गोटी गोटिया। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। ओ चौथी बात में पूरा निचोड़ कर देता है। आएगा हमारे आदरणीय सूर्य कवि श्री दादा लक्ष्मी चंद ने क्या बताया अंत में, हाँ। श्री लक्ष्मी चंद जीत के चले धर्म रूप का जंग, धर्म रूप का जंग, इस बाबा जी का रंग ढंग, इस बाबा जी का रंग चढ़ छैल पाके का ए टापू के माए, बाबा जी साते का ए मोटी मोटी आंख टीली, मोटी मोटी आंख टीली, यो त्योर रखे का ए टापू के माए, एकला बाबा जी साते का ए टापू मोटी आंख कटली। अरे भगत सुदामा बालक पण के, हम दोनों गुरु भाई, हम दोनों गुरु भाई, अरे घने दिना में फेटिया से तू बैरी अन्यायी। और हमारे बीच में आई स्नोटेक कंपनी से गौरव जी, उनके साथ ही उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और सजनों ये सारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप चार पाँच दिन के अंदर ही ये सारा प्रोग्राम स्नोटेक कंपनी के माध्यम से देख सकते हैं। हाई क्या बताया, अरे भगत सुदामा बालक पण के, भगत सुदामा बालक पण के, दोनों गुरु भाई, हम दोनों गुरु भाई, अरे करे दिना में फेटिया तू मेरी अन्याई, ओ करे दिना में फेटिया से तू मेरी अन्याई। पर भगत सुदामा बालक पण के, भगत सुदामा बालक पण के, दोनों गुरु भाई, हम दोनों गुरु भाई, ओ करे दिना में फेटिया से तू मेरी अन्याई, ओ करे दिना में फेटिया से तू मेरी अन्याई।
करी मेरा बेटा भर रहा था, वो सारी विद्या पास करी मेरा बेटा भर रहा था। ताऊ ते पहले मर गया था, ताऊ ते पहले मर गया, वक्त मर ली ताई, वक्त मर ली ताई, और कड़ा अपना मैं बेटा से तू करी अन्याई, ओ कड़ा अपना मैं बेटा से तू करी अन्याई। दूसरी बात में कहन जाते कृष्ण जी कि और सुना सुदामा, घर में सब ठीक ठाक तो हैं? अच्छा ये बताओ हमारी भाभी जी कैसी हैं? अरे दूसरी बात में क्या कहन जाते हैं कैसे? अरे कितने भतीजे, अरे कितने भतीजे मेरे हो लिए कई कई साल के, कितने भतीजे मेरे हो लिए कई कई साल के, सबकी सुशीला भाभी का तू कह दे हाल से, और सबकी सुशीला भाभी का तू कह दे हाल से, मेरे नितड़ फड़ के काल जे, मेरे नितड़ फड़ के काल जे, दो हिचकी भी आई, दो हिचकी भी आई, राजी नहीं है। अगर किसी को दुश्मन बना रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी कामयाबी पर चढ़ जाओ दुश्मन अपने आप ही बन जाते हैं। आज तीसरी बात में क्या बताया? अरे प्यारा मिले, अरे प्यारा मिले उजाड़ में यो बेटा भरिया करे, दुश्मन मिल जा महल्या में वो तीर धरया करे, अरे भीड़ पड़ी पे मदद करया कर, भीड़ पड़ी पे मदद करया कर, यारी अशनाई वो यारी अशनाई, और करे दिना में बेटा से तू मेरी अन्याई, स्वार्थ में खाली काम निकला और पीछे हो गए, वो यारी नहीं होती है। यारी वो है कि अगर दोस्त पे कोई मुसीबत पड़ती है
तो पहले आगे आपको खड़ा होना चाहिए। आइए चौथी बात क्या बताया कैसे। जो चीज मांग ले झट प्यारा दे दे, मांग राम जो चीज मांग ले झट प्यारा दे दे, एक आत्मा हो प्यारे फिर धन सारा दे दे। बोलिया रे सोच समझ के चलिए रे लोगो, यो ते बुरा जमाना आया रे, अरे झूठ कपट अरे छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे, झूठ कपट अरे बेईमानी पाप जगत में छाया रे, वही सोच समझ के चलिए लोगो पूरा जमाना आया रे, झूठ कपट अरे छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे, झूठ कपट अरे छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे। शब्दों पर गौर फरमाएंगे, रागनी का एक एक शब्द चुन के कवि महोदय ने रखा है, और अगर कोई शब्द समझ में आए दिल को छुए अच्छा लगे तो सपनों को सुन करके तालियों का आशीर्वाद जरूर देंगे। आइए पहली कली में के बताया हम के बजा भाई बउआ। भाई की जड़ भाई की जड़ रे भाई काटे ऐसा भाई मरियो रे, जिस जननी के ममता को न्या ऐसी माई मरियो रे, जिस जननी के ममता को न्या ऐसी माई मरियो रे, और खानदान के जाई मरियो रे, गैर मरद संग आंख लड़ावे ऐसी ब्याही मरियो रे, गैर मरद संग आंख लड़ावे ऐसी ब्याही मरियो रे, वही किसे चीज का घमंड ना करियो, किसे चीज का घमंड ना करियो, कर क्या जो पछताया रे, झूठ कपट अरे छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे, झूठ कपट अरे छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे। रागनी के शब्द समझ में आ रहे हैं जी, ताली बजाते रहो पता लगता रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। पहली कली में बताया कि भाई की जड़ भाई काटे ऐसा भाई मरियो रे, और जिस जननी के ममता को न्याय ऐसी माई मरियो रे, खानदान के जो बट्टा लादे ऐसी जाई मरियो रे, और गैर मर्द संग आंख लड़ावे ऐसी ब्याही मरियो रे। अगर शब्द रागनी के सही है तो एक बार जोरदार ताली चाहूंगा, जोरदार ताली। दूसरी कली में बताया कि किस तरह का यार मर जाना चाहिए, किस तरह का परिवार मर जाना चाहिए, एक एक शब्द दूसरी कली का भी सुनने लायक के बताया। वही यार की बेटी, यार की बेटी बहन तक ऐसा यार मरियो रे, हवस आग में अंधा हो जा ऐसा जार मरियो रे, हवस आग में अंधा हो जा ऐसा जार मरियो रे, जहां बेटी मारी जाए गर्भ में वो परिवार मरियो रे, भाई के घर हिस्सा मांगे इसी बहन छिनार मरियो रे, भाई के घर हिस्सा मांगे इसी बहन छिनार मरियो रे, वही हो जागा पछताना जिसने, हो जागा पछताना जिसने धर्म ईमान टिकाया रे, ओरा झूठ कपट हो रे छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे, झूठ कपट हो रे छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे। पर गौर फरमाएंगे, तीसरी कली में बताया कि किस तरह का बेटा मर जाना चाहिए, किस तरह का पंच मर जाना चाहिए, और किस तरह का खसम मर जाना चाहिए, तीसरी कली में की बताया। वही पूत का पूत बने दुराचारी मरियो रे, इसकी सुन के उसते कहते वो लंकारी मरियो रे, इसकी सुन के उसते कहते वो लंकारी मरियो रे, और जिसम बेच जो नोट कमावे ऐसी नारी मरियो रे, दूजी ब्याह के दूजी ब्याह के ल्यावे ऐसा बलम हजारी मरियो रे, दूजी ब्याह के ल्यावे ऐसा बलम हजारी मरियो रे, वही खोटे कर तबरा दुख दे जांगे, खोटे कर तबे दुख दे जांगे, चूना दिल समझाया रे, झूठ कपट हो रे छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे, झूठ कपट हो रे छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे।
वही इज्जत बिगड़े, इज्जत बिगड़े पीने ते इसा पीना खाना मरियो हो रे, जात बिगाड़े रिश्तेदार इसा नया पुराना मरियो रे, जात बिगाड़े रिश्तेदार इसा नया पुराना मरियो रे, वही मर्यादा ने तोड़े ऐसा गंदा गाना मरियो रे, तुलना करता कवियों से इसा सतन खटाना मरियो रे, तुलना करता कवियों से इसा सतन खटाना मरियो रे, वही मतलब का संसार रे लोगो, मतलब का संसार है लोगो, झूठी है महमाया रे, झूठ कपट हो रे चल बेईमानी, भाव जगत में छाया रे, झूठ कपट हो रे चल बेईमानी, भाव जगत में छाया रे, वही सोच समझ के चलिए लोगो, पूरा जमाना आया रे, झूठ कपट हो रे चल बेईमानी, भाव जगत में छाया रे, झूठ कपट हो रे चल बेईमानी, पाप जगत में छाया रे, ओ थारे छतरा पणी की लाज रही ना, और किसे बात का डर को न्या, बहुने कड़ बठाओगे थारे आप रहने घर को न्या, छतरा पर की लाज रही ना, किसे बात का डर को न्या, वो बहुने कड़ बठाओगे थारे आप रहने घर को न्या, छतरा पर की लाज रही ना, योद्धा बताते हो, लेकिन क्या क्या करना बाकी है पहली बात के माध्यम से क्या बता?
होया करे ए हो गए छतरी रण ते भागे उसकी हासी होया करे टुकड़े खाओ बाहर बिराने टुकड़े खाओ हरी कुत्ते जैसी कर को अभी भी वक्त है क्योंकि आपने जुआ खेला खुद को तो हारे मुझे भी दाप पर लगा दिया और आज उस उत्तरा कुमारी को उस राजकुमारी को घर में लाने की बात करते हो कल को फिर से जुआ खेलोगे फिर से उसे दाप पर लगाओगे। सजनों बार बार समझाते हैं तीसरी कलीम बताया कैसे कैसे उस अर्जुन को समझाती है बिल्कुल आखिरी बात कैसे जब तक
श्रुति चौधरी थारे स्वागत में ये क्षेत्र के नर नार खड़े और करने को सम्मान आपका ले फूलों के हार खड़े करने को सम्मान आपका ले फूलों के हार खड़े श्रुति चौधरी थारे स्वागत में इस क्षेत्र के नर नारी खड़े करने को सम्मान आपका ले फूलों के हार खड़े करने को सम्मान आपका ले फूलों के हार खड़े और एक बात और बताता चलूं जो भी इस संसार के अंदर अपने माता पिता अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है उनकी नीतियों पर चलता है उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है वो ही कामयाब होता है। वही काम बहन श्रुति चौधरी का है। उन्होंने भी अपने दादा के पद चिन्हों पर चलकर अपनी जनता जनार्दन के दिल के अंदर जगह बनाई है। आइए किस तरह पहली कली में बताया श्री बंसीलाल जी की नीति को ठीक तरह पहचान लिया पूर्वजों से राजनीति का पूरा पूरा ज्ञान लिया पूर्वजों से राजनीति का पूरा पूरा ज्ञान लिया और थारे संग में मरना जीना तुम्हें अपना नेता मान लिया दुखड़ा श्रुति चौधरी ने इस क्षेत्र का पहचान लिया दुखड़ा श्रुति चौधरी ने इस क्षेत्र का पहचान लिया और टेक सभी ने रे 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 टेक सभी ने ध्यान लिया थारे साथी लाख हजार खड़े करने को सम्मान आपका ये फूलों के हार खड़े करने को सम्मान आपका ये फूलों के हार खड़े और मुकंदपुरा में श्रुति जी करे मुकंदपुरा में श्रुति जी का आओ हम सम्मान करें अपने शुभ आदर्शों से ये देश की ऊंची शान करें अपने शुभ आदर्शों से ये देश की ऊंची शान करें और सावण राम से पूरे जनता के अरमान करे जब भी काम पड़े कोई मारा हाजिर अपनी जान करे जब भी काम पड़े कोई मारा हाजिर अपनी जान करे अभिनंदन लोग तमाम करें अभिनंदन लोग तमाम करें और करते जय जयकार खड़े फूलों के हार खड़े करने को सम्मान आपका ये फूलों के हार खड़े और
आदरणीय होशियार प्रधान जी, उनकी तरफ से भी स्वागत गीत पर 500 रुपए का पुरस्कार आया बार बदन। सावण राम सरपंच साहब, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार इस स्वागत गीत पर। 1100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। और देसरा सरपंच साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद। तीसरी कली मैंने बताया, जो भी बहन जी वादे अपनी जनता जनार्दन के बीच में कर जाती हैं, उन वादों पर खरी उतरती हैं, कौन कौन से वादे हैं और किस तरह से बताया है। आदरणीय कालूराम रावत जी, उनकी तरफ से भी 2100 रुपए का आशीर्वाद हमारी टीम के लिए आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए कैसे तीसरी कली में बताया। और बहन श्रुति चौधरी वादों पे खरी उतरती है, निर्भीक दिलावर सच्ची नेता ना दुश्मन से डरती है। निर्भीक दिलावर सच्ची नेता ना दुश्मन से डरती है, और सभी बिरादर खुश हो के न्यू दिल से स्वागत करती है। बहन श्रुति चौधरी गरीबों का दुखड़ा हरती है, बहन श्रुति चौधरी गरीबों का दुखड़ा हरती है, और इसीलिए सारी जनता का ये लिए दिलों में प्यार खड़े करने को सम्मान आपका, ये फूलों के हार खड़े करने को सम्मान आपका, ले फूलों के हार खड़े। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में हो, रानी तेरी में हरी घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। हरी घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। महाराज कहिए, आज मेरा वक्त खराब है, मेरी फूटी हुई किस्मत है कि आज होली का त्योहार है, सारी दुनिया खुशियां मना रही है, फाग खेल रही है, और मेरे घर में तो सिर्फ एक ही उजाला था, मेरा पुत्र रोहतास कंवर। और महाराज ईश्वर की माया भी देखिए, उसे मुझसे छीना भी तो किस दिन, होली के त्योहार के दिन। और महाराज इससे भी बड़े दुख की बात क्या होगी कि आज आपने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जिस तरह से आज तेरे दिल में ये तसल्ली होगी कि तेरा पति तेरे साथ है, मैं तेरा साथ दूंगा, इसी तरह मैंने भी सोचा था। परसों वर्ण नदी पर मैं उस घड़े को उठाने में असमर्थ था, तूने मेरे घड़े को हाथ नहीं लगाया तारा, इसी तरह से मैं भी अपने धर्म पर अडिग हूँ, जिस तरह से तू अपने धर्म पर अडिग थी। अपनी बात कह दे। सुनिए महाराज, कह दे। मैं तेरी नजर में भंग
संगी हूँ। हे नारा जान रहा हरिचंद, मैं तेरी नजर में भंगी हूँ। मिश्राणी सतसंगी हूँ, वो नू कहती ना घड़ा उठाऊं, मिश्राणी सतसंगी हूँ। और समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। हरी घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। फूकण दूंगा लास्ट ने, सवा रुपया कफन दे देना, फूकण दूंगा लास्ट ने। नाल्याना थपास ने, ए बागा बीच भूंक दे पियो, नाल्याना थपास ने। और नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। हरी घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। जी कहिए, आपका सवा रुपया और कफन मैं नहीं दे सकती, क्योंकि पिया जी मेरे पास में आपका कर देने के लिए ये भी नहीं है, ना तो मेरे पास में सवा रुपया है और ना ही यहाँ का कर कफन है। पिया जी आपके बार बार धमकाने से मेरे पास में ये सब उपलब्ध नहीं होगा। अगर आप अपना कर लेना चाहते हैं, हाँ, तो मेरे पास में कुछ और है जो मैं आपको दे सकती हूँ। अच्छा जी पिया जी, या तो तारा कर दे दे, अगर कर देने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं है तो इस लहास को यहाँ से उठा ले और कहीं दूर ले जा करके। नहीं पिया जी, अच्छा, सुनिए मेरी बात, कह दे। सुन तारा बोल अखीर मेरा, वे करवर घर का ना छोटू, सुन तारा बोल अखीर मेरा। और चाराने में कंठी ले जा, एक रुपये में चीर मेरा, इस जाकाले को दे दूंगा ना, इसमें
ऐसा जसीर मेरा वो जाकारे को दे क्यों गाना इसमें सा जसीर मेरा और कैसे जलाऊं कुल की कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं निशानी तेरी मैं हरी घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं चोरी क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी आप अपने कर के रूप में 125 रुपए की जगह मेरी कंठी ले सकते हैं जिसे सुहागन की निशानी कहते हैं। हाँ। और जो आप कफन मांग रहे हैं उसके बदले में आप मेरे सर का ये चीर ले जाइए पिया जी, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ मुझे दुखिया के पास नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा पिया जी। तारा, ये कंठी और चीर तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन पहले अपने मालिक कालिया भंगी के पास जाऊंगा। अगर ये कर उसने स्वीकार कर लिया तो यहाँ तू चिता जला सकती है, अन्यथा मैं ये तेरे कंठी और चीर तुझे ला करके वापस दे दूंगा और इस लहास को कहीं भी तू ले जा सकती है। सुनिए मेरी बात। परमेश्वर उसी ढालते रही तू, जिस ढाला रखे परमेश्वर उसी ढालते रही तू, और सब पर जाके अखंड के लाग जा ऐसी छंद बनाए तू, हो नई बस्ती गुरु धाम जयकरण हरदम सी झुकाइए तू, नई बस्ती गुरु धाम जयकरण हरदम सी झुकाइए तू, गुरु शरण दासी जानो सेवा, शरण दासी जानो सेवा, ठाणी तेरी मैं ठाणी तेरी मैं, हरी घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं, चोरी क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं, हो मते डायने कहिए मेरे चोट पूती की चसके, हो चोट पूत की चसके, हो चोट पूत की चसके, मत डायन कहिए चोट पूत की चसके, मत डायन कहिए चोट पूत की चसके। डायन को महरण का सबने मेरे ऊपर गेरा जोर, जिसके घर पे री मुद्दा बजा वो ही माना जाता चोर, जिसके घर पे मुद्दा बजा वो ही माना जाता चोर, कंचन
छिपता नहीं कांच में, सोने पे चढ़े ना झोल, तेरी सब कुछ देखी भाली, तू तो सोच समझ के बोल। ओ तेरी सब कुछ देखी भाली, तू तो सोच समझ के बोल। अदे ममता आजा ब्याही की दिया पट्टी बांध ले कस के, मत गायन कहिए छोटे बूटे की चस के, मत गायन कहिए छोटे बूटे की चस के। कहिए, अगर ऐसी बात है कि आप मुझे मारने आए हैं, मारना चाहते हैं, तो फिर आप देर मत लगाइए, उठाइए अपनी तलवार को और मेरी धड़ से गर्दन को अलग कर दीजिए महाराज, क्योंकि ऊपर जाने के बाद तो शायद मैं अपने पुत्र से मिल पाऊंगी। अच्छा जी पियाजी, इसीलिए तूने सेठ के लड़के को खाया है? तू मरना चाहती है मेरे हाथों से, तो मारने के लिए तो मैं आया ही हूँ तारा, सावधान हो जा और मेरी कटार का सामना कर, कह दे क्या कहना चाहिए। सुनिए मेरी बात, राज के जल्दी पहुंचो रोहित राजकुमार मिले, अगले जन्म में है ईश्वर बने हरिश्चंद भरतारे मिले। ओ, अगले जन्म में है ईश्वर बने हरिश्चंद भरतारे मिले। क्या कह रही है तारा, अगले जन्म में आप ही मिलने चाहिए? मेरी बात सुन ले, इस संसार का कौन सा दुख है जो मैंने तुझे नहीं दिया, और फिर भी तेरी इस तरह की सोच है के अगले जन्म में भी मैं ही तेरा पिया बनूं, मैं ही तेरा भरतार बनूं। महाराज हाँ। मैं एक पतिव्रता नारी हूं और मैं चाहती हूं आप मुझे चाहे कितना भी सुख दें, चाहे कितना भी दुख दें, हाँ। मैं सातों जन्मों में आपको भरूं, सिर्फ यही कारण है। अगर इस तरह की सोच तेरी है तो तारा मेरी सोच भी सुन ले, मैं क्या चाहता हूँ। प्रार्थना मेरी ईश्वर ते, जब दूजा मुझे शरीर मिले, तिरसंकु का पुत्र बनूं और अवधपुरी जागीर मिले। आगे जन्म हो मेरा तो मदनावत शिविर मिले। आगे जन्म हो मेरा तो मदनावत शिविर मिले। और डायन का तुझे दर्जा मिल गया काशी शहर में बस के, मत डायन कहिए छोटे बूटे की चस के, मत डायन कहिए छोटे बूटे की चस के। शिखर में टांगे रही, जो तेरी जानकारी देवा है उसे अगले जन्म में भी मांगे रही। जो तेरी जानकारी देवा है उसे अगले जन्म में मांगे रही। जलती
दोगी जी फुकती फुकती हो जागी तेरी तेग के नीचे मेरी गर्दन झुकती हो जागी तेरे हाथ से मर जाऊं मेरी साजन मुक्ति हो जागी ओ तेरे हाथ से मर जाऊं मेरी साजन मुक्ति हो जागी और दया करे मत डायन पे तलवार मार दे हंस के मत डायन कहिए छोटे पूते भी चस के मत डायन कहिए छोटे पूते भी चस के शमशानों में मिले थे हाँ। आपने अपना कर मांगा था याद है? याद है। मेरे पास में कर नहीं था हाँ। लेकिन फिर भी मैंने अपनी कंठी दी अपना चीर दिया आपका कर पूरा किया हाँ। लेकिन फिर भी आज आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने सेठ की बेटी को खाया है लेकिन पिया जी आप तो मेरे दुख का अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं। तारा मैंने कोई इल्जाम तेरे ऊपर नहीं लगाया है जो ये काशी वाले बोल रहे हैं जो साक्षात मेरे सामने हैं तेरे हाथ और मुंह खून में सने हुए हैं एक सेठ के लड़के का आधा धड़ तेरे पास पड़ा हुआ है इसमें मैंने तेरे पर कोई इल्जाम नहीं लगाया लेकिन उस परमपिता परमात्मा की यही मर्जी है इस तरह के खेल वो हमें खिला रहा है मेरी बात सुन ले तारा जी कहिए मसला लो हलाठे हुया हरिश्चंद्र अफसोस में है दुखिया पर बाटे हुया और नाव डूबगी राचाड़े में ना नदी चढ़ी न घाटे हुया नाव डूबगी चाड़े में ना नदी चढ़ी न घाटे हुया जो पौधा मने लगाया था पिया सुना ना वो हरा रया मेरा कंठी चीर तार के फिर भी गुस्सा भरा रया अपने धर्म पे मैं अपने धर्म पे डटी रही तू अपने धर्म पे खड़ा रया अपने धर्म पे डटी रही तू अपने धर्म पे खड़ा रया हर पीरू गौरी का